डीएमएन एंड सेंट शैडो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कागनो ट्रेन में बैठ के कहीं पर जा रहा होता है और वो मन में कहने लगता है अल्फा और बाकी लड़कियों की स्टोरी के हिसाब से जो कल्ट ऑफ डियाब्लो है वो काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल स्केल पर चलता है और वो लोग कागनो को छोड़ के अलग अलग जगह पर चले जाते हैं ये कहकर कि वो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन से लड़ने वाले हैं। लेकिन कागनो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, असल बात तो ये है कि ये सभी लोग अब बड़ी हो चुके हैं, कल्ट कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था, हम लोग इसी नाटक को हमेशा के लिए नहीं चला सकते हैं और इसी वजह से वो लोग खुद को फ्री कर रहे हैं। कागनो इस पे कहने लगता है कि मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं वो अपने सुपर हीरोज के बारे में भूल जाते हैं और पिछले लाइफ में मैं जो अपनी बैटल है वो अकेले ही लड़ा करता था, जिसके बाद हमें पता लगता है कि आखिरकार कागनो अपनी पिछले लाइफ में मरा कैसे। वो ट्रेनिंग करते टाइम मैजिक मांग रहा था और अपने सर को एक काफी बड़े पत्थर पे पटक रहा था जिसकी वजह से वो अपना बैलेंस खो बैठता है और पहाड़ के नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से वो रोड पर आ जाता है और वो एक ट्रक के सामने आ जाता है जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाता है। अब कागनो स्माइल करके कहते हैं कि अगर वो इस वर्ल्ड के अंदर आखिरी पर्सन भी बचा तो भी वो एमिनेंस इन शैडो बनने के लिए मेहनत करता रहेगा। ट्रेन से उतरने के बाद कागनो मिडगार किंगडम में पहुंच जाता है जहाँ की वो पॉपुलेशन बताता है कि यहाँ पर 1 मिलियन से ज्यादा सिटीजन है और अब जो कि कागनो 15 साल का हो चुका है वो मिडगार एकेडमी के अंदर एनरोल होएगा जिसमें उसकी बहन पहले से एनरोल थी ताकि वो डार्क नाइट बन सके। कागनो बताता है कि मिडगार एकेडमी एक काफी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर किंगडम के बाहर से और अंदर से दोनों जगह से स्टूडेंट आते हैं, ये एक मेडिवल स्टाइल सोसाइटी है और इसलिए कागनो बैकग्राउंड कैरेक्टर होने के बाद भी वो कैसे ना कैसे मैनेज कर पाया इस इंस्टीट्यूशन में आने के लिए। लेकिन कागनो को ट्रीट एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह ही किया जा रहा है क्योंकि उसे एक काफी चीप अपार्टमेंट मिला है रहने के लिए। उसके बाद कागनो अपने अपार्टमेंट में निकलकर अपने दोस्तों के पास आ जाता है और वो लोग जाने लगते हैं। कागनो बताता है कि उसने अपने दोस्त भी बैकग्राउंड कैरेक्टर ही चूज किए हैं जिसका नाम स्केल और पू होता है, जिसके बाद वो लोग इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए एक ट्रेन पकड़ते हैं लेकिन उसमें काफी भीड़ होती है। वहीं कागनो कहता है काश वो लोग हमें स्कूल के डोम में रहने दे जैसे वो लोग अपर क्लास के स्टूडेंट को रहने देते हैं, जिस पर उसका दोस्त कहता है ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो हम जैसे नोबल्स को हर हाईनेस और उसके काइंड के लोगों के साथ रहने दें। तो कागनो कहता है कि अगर हम लोग मेरी बहन की तरह होनर स्टूडेंट बन जाएं तो वो लोग हमें डोम में रहने देंगे, जिस पर कागनो के दोस्त कहते हैं ऐसा तो हमारे साथ कभी नहीं हो सकता है। अब कागनो मन में कहने लगता है कि उसे इस एकेडमी में आए हुए 7 मंथ हो चुके हैं जिसमें वो काफी अच्छे से एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बन चुका है। तभी कागनो का दोस्त कहता है कि कल के टेस्ट में तुमने काफी बुरा स्कोर किया था तो क्या तुम्हें पेनल्टी याद है ना, जिस पर कागनो कहते हैं हाँ मुझे याद है, जिसके बाद कागनो पेनल्टी बताने लगता है। पेनल्टी ये है कि उसे स्कूल में जाकर सबसे पॉपुलर लड़की को प्रपोज करना होगा और उसके रिजेक्शन को फेस करना होगा। कागनो खुश होकर कहने लगता है कि वो इसी बैकग्राउंड कैरेक्टर के इवेंट को एक्सपीरियंस करना चाहता था, जिसके बाद वो लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। वहीं वो लोग देखते हैं कि स्कूल की सबसे पॉपुलर और ब्यूटीफुल गर्ल प्रिंसेस एलेक्सिया को एक स्टूडेंट प्रपोज कर रहा होता है, बट एलेक्सिया उस स्टूडेंट को रिजेक्ट करके वहां से चली जाती है। तभी बाकी स्टूडेंट ये देखकर कहने लगते हैं कि मुझे पता है कि ग्रेजुएशन के बाद एलेक्सिया की पॉलिटिकल मैरिज होने वाली है, लेकिन ये स्टूडेंट भी इतना बुरा नहीं था टाइम पास करने के लिए। ये देखकर कागनो का दोस्त उससे पूछता है कि क्या तुम डर तो नहीं गए ये पेनल्टी पूरी करने के लिए, तो कागनो से कहते हैं तुम चिंता मत करो मैंने कल की रात पूरी स्पेंड करी ये देखने के लिए कि आखिरकार मैं करने कैसे वाला हूँ। अब अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि कागनो प्रिंसेस एलेक्सिया के सामने खड़ा होकर काफी नर्वस होता है और वो काफी घबराए हुए उसे कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वहीं कागनो मन में कहने लगते है परफेक्ट है अब मुझे रिजेक्शन मिलेगा जो कि एक परफेक्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा बैकग्राउंड कैरेक्टर के लिए जो कि मैं हमेशा से चाहता था। वहीं इसी का उल्टा हो जाता है, एलेक्सिया कागनो के हाथ को पकड़ के कहती है ठीक है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनोगी। वहीं कागनो काफी शॉक लगता है, एलेक्सिया कहने लगते है कि मैं तुम जैसे पर्सन का काफी समय से वेट कर रही थी हमारा रिलेशनशिप अब शुरू होता है। वहीं कागनो चिल्लाकर कहता है क्यों आखिरकार वो एक रोमकॉम प्रोटैगनिस्ट के रूट पर कैसे चल पड़ा। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कागनो अपने लिए कैंटीन में खाना लेकर जा रहा होता है और बाकी सभी स्टूडेंट उसकी तरफ काफी गुस्से में और जेलसी से देख रहे होते हैं और वो कहने लगते हैं कि ये तो काफी एवरेज स्टूडेंट हैं तो आखिरकार ये प्रिंसेस एलेक्सिया को डेट कैसे कर रहे हैं। वहीं कागनो अपने दोस्तों के पास जाकर बैठता है और उनसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये वियर्ड है, जिस पर उसके दोस्त कहते हैं हाँ ये तो काफी बिजार है। बुरा मत मानना ये सुनने के बाद, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी खूबी नहीं है जो कि तुम्हें वर्दी बनाती है प्रिंसेस एलेक्सिया को डेट करने के लिए, जिस पर कागनो कहते हैं मुझे खुद गड़बड़ लग रही है क्योंकि हमारे बीच में तो काफी ज्यादा डिफरेंस है, जिस पर उसके दोस्त उसे कहते हैं क्या ही फर्क पड़ता है अब तुम इतने लकी हो तो तुम थोड़ी अच्छी मेमोरी बना लो, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ जगह चेंज कर सकता हूँ।
तभी अचानक से वहाँ पर एलेक्सी आ जाती है और उनसे कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ। कागनो के दोस्त काफ़ी घबरा जाते हैं और कहते हैं तुम बैठ सकती हो, जिस पर वो एलेक्सिया कागनो को धक्का मार के उसके जगह पर बैठ जाती है और काफ़ी अच्छा अच्छा खाना ऑर्डर करने लगती है। वहीं पर बाकी स्टूडेंट कहने लगते हैं कि आखिरकार एलेक्सिया लोअर नोबेल्टी वाले लोगों के साथ कैसे बैठ सकती है। वहीं पर कागनो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा। इसके बाद वो काफ़ी बुरी तरीके से खाने खाने लगता है इस होप में कि एलेक्सिया उसको डम कर देगी, बट ऐसा नहीं होता है। बल्कि वो हंस के कागनो से कहती है कि आज तुम आफ्टरनून में फिजिकल एजुकेशन में रॉयल बुशिंग फेंसिंग सीखने वाले हो ना, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग क्लास एक साथ ही करें। तो कागनो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि अच्छा आइडिया है क्योंकि मैं सेक्शन 9 में हूँ जो कि सबसे नीचे वाला सेक्शन है। तो एलेक्सिया कहती है चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे बारे में बातें करके सेक्शन 1 में तुम्हारे लिए जगह खाली कर दी है। और अब कागनो सोचते है कि उसका ये वाला प्लान भी फेल हो चुका है, जिसके बाद कागनो रॉयल बुशिंग फेंसिंग की क्लास में आकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। वही कागनो काफी इंप्रेस होता है ये देखकर कि सेक्शन 1 का एडवाइजर मिस्टर जीनोन एक ऑफिशियल रॉयल फेंसिंग इंस्ट्रक्टर है लेकिन बाकी सेक्शन में ऐसा नहीं है। जीनोन कहने लगता है कि जो तुम बुशिंग स्टाइल यहाँ सीख रहे हो वो ओरिजिनल स्टाइल है जो कि ट्रेडिशनल बुशिंग स्कूल से डिराइव्ड हुआ है। शुरुआत में ये स्टाइल सीखने के लिए हमें काफी परेशानी आई थी लेकिन शुक्रिया डार्क नाइट प्रिंसेस आयरिस का जो कि एलेक्सिया की बहन है, उसकी मदद से हम लोग इस ट्रेडिशन बुशिंग को सीख पाए। दूसरे वर्ड में कहूँ तो अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ होगा तो मैं इसको सक्सेसफुली सीख पाओगे। ऐसा बोलकर वो कागनो की तरफ देखकर कहता है कि तुम में कितना स्ट्रेंथ है, जिसके बाद सभी लोग अब बुशिंग स्टाइल को सीखने लगते हैं, जहाँ पर कागनो एलेक्सिया के साथ लड़ रहा होता है और उसे एनालाइज कर रहा होता है और कहने लगता है कि एलेक्सिया के अटैक कभी भी लगते नहीं है और उसके मूवमेंट भी काफी स्लो हैं और वो ज्यादा मैजिक का भी यूज नहीं कर सकती है। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि वो बस अपने लेवल को मेरे लेवल के हिसाब से मैच कर रही है, बट ऐसा नहीं है। इस प्रैक्टिस का गोल ये है कि वो लोग स्ट्रोक्स और काउंटर स्ट्रोक्स के ऊपर रिव्यू कर सके। कागनो देख पा रहा होता है कि उसकी टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन कहीं पर उसके अटैक काफी ज्यादा नरम है और ये वर्ल्ड एलेक्सिया को उसकी बहन से कमजोर मानता है। कागनो बताता है कि एलेक्सिया की बहन इस किंगडम में सबसे ज्यादा पावरफुल डार्क नाइट है। कागनो कहता है कि एलेक्सिया की कमजोरी का प्रूफ ये है कि इसने अपनी स्किल को बेसिक से बढ़ाया है एक टाइम पर एक स्टेप। तभी जीनोन वहां पर आता है और कहता है कि आज के लिए इतना लेसन काफी है। वहीं एलेक्सिया कागनो का शुक्रिया करती है आज के मैच के लिए और उसे कहती है कि तुम्हारा फेंसिंग स्टाइल अच्छा है लेकिन मुझे उससे नफरत है, मैं जब तुम्हें देखती हूँ तो ऐसे लगता है कि मैं खुद को देख रही हूँ। जिसके बाद एलेक्सिया जीनोन के पास आ जाती है तो जीनोन उसे कहता है कि क्या मैं ये मान लूं कि ये तुम्हारा आंसर है। तो एलेक्सिया उसे कहती है हाँ मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी तो तुम अब पीछे हट सकते हो, जिस पर जीनोन कहता है कि तुम हमेशा के लिए मुझसे नहीं भाग सकती हो। वहीं कागनो इनके मैटर में नहीं पढ़ना चाहता था इसलिए वो चुपचाप से वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कागनो और एलेक्सिया एक साथ बैठे होते हैं, जहां पर कागनो से कहता है तो तुम जीनोन के साथ अपनी एंगेजमेंट नहीं करना चाहती हो इसलिए तुमने मेरे जैसे लो क्लास को अपना बॉयफ्रेंड बनाया है ना, तुम सिर्फ मेरा यूज कर रही हो। लेकिन माफ करना मैं अपने ऊपर ज्यादा अटेंशन नहीं लाना चाहता हूँ, ना ही मैं तुम्हारी प्रॉब्लम के अंदर मिक्स होने में इंटरेस्ट रखता हूँ। तो एलेक्सिया कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो इतनी कोल्ड बात कैसे कर सकती हो, जिस पर कागनो कहते हैं मैं सिर्फ तुम्हारा नाम का बॉयफ्रेंड हूँ। तो एलेक्सिया कहती है तुम तो मुझसे भी ज्यादा बुरे हो क्योंकि तुमने अपना फेक लव मुझसे कन्फेस किया क्योंकि तुम अपने दोस्तों के साथ एक बैट हार गए थे, मैंने तुम्हारे दोस्तों के साथ थोड़ी हल्की फुल्की बातें करी और उन्होंने सारा सच मुझे बता दिया, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एक इनोसेंट लड़की के दिल के साथ खेलना, अगर ये बात स्कूल के लड़कों को पता चल गई तो तुम्हारा पीसफुल डे कभी भी स्कूल में नहीं आएगा। ये सुनकर कागनो थोड़ा सा घबरा जाता है लेकिन वहीं पर एलेक्सिया कहती है अगर तुम मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हो तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करो और जब जीनोन मेरा पीछा छोड़ देगा तो तुम इस एक्टिंग को बंद कर सकते हो, जिस पर कागनो कहता है मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा पीछा छोड़ेगा क्योंकि कोई भी देखकर बता सकता है कि मैं तुम्हारी लीग से तो काफी दूर हूँ। जिस पर एलेक्सिया कहती है मुझे पता है मुझे सिर्फ थोड़े टाइम की जरूरत है बाकी सब कुछ मैं अपने आप से ही संभाल लूंगी। तो कागनो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि एंडिंग अच्छी होने वाली है। तभी एलेक्सिया एक कॉइन को निकाल के कागनो के साइड में फेंक देती है। तो कागनो कहने लगता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा मैन हूँ जो कि पैसों से बिक जाएगा, जिस पर एलेक्सिया कहती है हाँ मुझे ऐसा लगता है। तो कागनो उस कॉइन के पास जाकर कहते हैं हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद एलेक्सिया एक और कॉइन को फेंकती है और कागनो उसको अपने मुंह से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि उसकी पॉकेट मनी से उसकी एमिनेंस इन शैडो के काम नहीं होंगे तो इस चांस को वो कैसे जाने देगा। जिसके बाद एलेक्सिया अब कागनो को अपना डॉगी बना लेती है और कहती है कि मैं जो कहूंगी वो तुम वैसे करोगे। और इसी के साथ कागनो अपने एलेक्सिया के साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखता है, जहां पर वो काफी इंजॉय करता है और सभी लोग काफी जेलस हो रहे होते हैं। वही कागनो कहने लगता है अच्छी बात तो ये है कि सभी लोगों का इस बात पर फोकस है कि एलेक्सिया के पास एक बॉयफ्रेंड है और किसी का भी ध्यान कागनो के ऊपर नहीं है, इसलिए वो पीछे ही एक बॉयफ्रेंड बैकग्राउंड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। वहीं पर वहां से जाते टाइम एलेक्सिया जियोन को देखती है जो कि कुछ लड़कियों से बात कर रहा होता है। अगले सीन में वो लोग ट्रेन में बैठे
बैठे होते हैं। एलेक्स ये कहने लगती है कि जीनोन अपने आप को काफी बड़ा समझता है क्योंकि सिर्फ उसे स्वॉर्ड की ज्यादा स्किल पता है। ये सुनकर कागनो मन में कहने लगता है कि एलेक्सिया पब्लिक में तो सभी के साथ अच्छा बिहेव करती है लेकिन उन्हीं के पीठ पीछे उनकी बुराइयां करती रहती है। इससे डिबेट करना बिल्कुल बकवास है, इसलिए मैं सिर्फ उसकी रोबोट की तरह ही काम कर रहा हूँ जो कि उसकी सिर्फ हर बात को मानूंगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग आइसक्रीम शॉप पर आइसक्रीम ले रहे होते हैं। एलेक्सिया कागनो को बताती है कि वो आइसक्रीम इसलिए खरीद रहे हैं ताकि पूरे वर्ल्ड को पता चल जाए कि वो लोग रिलेशनशिप में हैं। वहीं कागनो उससे कहता है कि जीनोन से शादी करने में क्या प्रॉब्लम है क्योंकि वो तो एक परफेक्ट हस्बैंड रहेगा तुम्हारे लिए। जिस पर एलेक्सिया कहती है प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, असलियत में उसके पूरे एग्जिस्टेंस को ही मैं पसंद नहीं करती हूँ। तो कागनो कहता है लेकिन वो तो काफी हैंडसम भी है, उसके पास स्टेटस भी है, फेम भी है और मनी भी है, और वो वैसे भी दूसरी गर्ल्स के साथ काफी पॉपुलर भी है। तो एलेक्सिया कहती है वो सब एक दिखावा है, परफेक्ट दिखना काफी ज्यादा इजी है जैसे मैं दिखती हूँ। जिसके बाद कागनो से कहती है सिर्फ सरफेस से ही वो किसी को जज नहीं करती है। जिस पर कागनो कहता है तो तुम उसे कैसे जज करती हो। जिस पर एलेक्सिया कहती है मैं उनके अंदर की कमियां देखकर उन्हें जज करती हूँ। ये सुनकर कागनो कहता है कि ये तो काफी नेगेटिव तरीका है किसी को भी जज करना। जिसके बाद कागनो से कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम एक एवरेज पर्सन हो जिसके अंदर पूरी कमियां ही भरी हुई है और तुम्हारे अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है। ये सुनकर कागनो से कहते हैं थैंक यू, मैं ये बात एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर अपने पास रखता हूँ। जिसके बाद उससे कहते हैं कि मिस्टर जीनोन के अंदर क्या कमियां हैं। जिस पर एलेक्सिया कहती है उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। तो कागनो से कहते हैं कि इसका मतलब तो वो एक परफेक्ट है तुम्हारे लिए। जिस पर एलेक्सिया कहती है नहीं, आज तक कोई भी ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं है जिसके अंदर कोई भी कमी ना हो, और अगर कोई ऐसा एग्जिस्ट भी करता है इसका मतलब वो तुमसे झूठ बोल रहा है या तो वो पागल है। ऐसा बोलकर वो कागनो को आज के लिए एक रिवॉर्ड दे देती है और कागनो भी वापस एक डॉगी बन जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इनके रिलेशनशिप के 2 हफ्ते बीत जाते हैं जिसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ है और अब वो लोग ट्रेन में बैठ के जा रहे होते हैं। एलेक्सिया उसे कहने लगती है कि तुम्हारी फेंसिंग स्टाइल अभी भी मेरे लिए मिस्ट्री है, तुम्हारे बेसिक तो अच्छे हैं लेकिन बाकी सब कुछ बेकार है, तुम्हारे अंदर और कुछ खास नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे ऊपर से अपनी आंख हटा ही नहीं पाती हूँ। तारीफ सुनकर कागनो से कहता है शुक्रिया, लेकिन एलेक्सिया कहती है लेकिन फिर भी मैं उसे हेट करती हूँ। सुनकर कागनो से कहता है कि आज तुम्हारे साथ क्या है क्योंकि आज तुम्हारा फेंसिंग स्टाइल काफी एग्रेसिव और काफी स्लोपी था। ये सुनकर एलेक्सिया कहती है कि अपनी जिंदगी भर मुझे अपनी बड़ी बहन आयरिस के जैसा अच्छा बनना था लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं कर पाई, इसलिए मैंने खुद से ही तरीका ढूंढा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, और इसी वजह से तुम्हें पता ही है ना लोग मुझे क्या बुलाते हैं। कागनो कहते हैं हाँ मुझे पता है, लोग तुम्हें फैंसर ऑर्डिनेर बुलाते हैं। एलेक्सिया कहती है कि तुम्हारा स्टाइल मेरे स्टाइल की तरह ऑर्डिनरी है, तुम्हारे लिए तो कितनी अनफॉर्चुनेट बात है। ये सुनकर कागनो कहते हैं मुझे लगता कि अनफॉर्चुनेट है क्योंकि मुझे तुम्हारा फैंसी स्टाइल पसंद है। कागनो की ये बात सुनकर एलेक्सिया कहती है कि जो तुमने बात मुझसे अभी कही ये पहले भी मुझे किसी ने कही थी, जब बुशिन फेस्टिवल में मैं काफी बुरी तरीके से हार गई थी तो मेरी बहन ने मुझे ये बात कही थी, लेकिन वो कभी भी नहीं समझ पाएगी कि मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा था, मुझे काफी कमजोर फील हो रहा था और तभी से ही मैं अपने स्वॉर्ड स्टाइल से नफरत करती हूँ। तो कागनो कहने लगता है मैं भी एक ग्रेट पर्सन नहीं हूँ क्योंकि अगर दुनिया की एक कोने में इस टाइम पर काफी करोड़ों लोग एक इंसिडेंट की वजह से मर रहे होंगे तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ऐसी भी कई चीजें हैं जिनसे मुझे फर्क पड़ता है। औरों के लिए ये चीज बेकार होगी लेकिन मेरे लिए ये काफी प्रेशियस है, इसीलिए मुझे तुम्हारा फेंसिंग स्टाइल काफी पसंद है। कागनो की बात सुनने के बाद एलेक्सिया को गुस्सा आता है और अपनी तलवार निकाल के कागनो से कहती है कि तुम्हारी बात का मतलब क्या है। जिस पर कागनो कहते हैं कुछ भी नहीं, लेकिन अगर मेरा मतलब देखा जाए तो मुझे गुस्सा आ जाता है जब लोग उस चीज की बुराइयां करते हैं जिस चीज को मैं पसंद करता हूँ। जिसके बाद ट्रेन स्टेशन पे पहुंच जाती है, ट्रेन का ड्राइवर आके अंदर देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है उनकी तलवार को देखकर। उसे देखकर एलेक्सिया वापस अपनी तलवार को अंदर डाल लेती है और कागनो से गुड बाय करके वहां से चली जाती है। और अब कागनो को पता चल चुका है कि उसका ये वाला रिलेशनशिप जो कि वो नहीं चाहता था अब एंड हो चुका है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कागनो अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा होता है और वो लोग कागनो को चीयर अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे रिलेशनशिप को 2 हफ्ते हो गए तो तुमने क्या कोई वो चीज करी। जिस पर कागनो उनसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो वो उसे लूजर बुलाकर कहते हैं कि कम से कम तुम्हें किस तो करना चाहिए था क्योंकि अगर हम तुम्हारी जगह होते तो हम तो सब कुछ कर लेते हैं। जिसके बाद वो लोग स्कूल में पहुंच जाते हैं जहां पर जीनोन और बाकी कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं। जीनोन कागनो को बताता है कि प्रिंसेस एलेक्सिया कल रात से अपने डॉर्म में वापस नहीं आई है और शायद से उसका किडनैप हो गया और लास्ट टाइम जो उसके साथ था वो तुम थे, इसलिए तुम एक सस्पेक्ट हो। और अब जीनोन कागनो से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है, वहीं पर कागनो देखता है कि सभी लोग कागनो से लड़ने के लिए तैयार है लेकिन कागनो अपने आप ही सरेंडर कर देता है क्योंकि इसे ज्यादा मुसीबत में नहीं पड़ना है। और अब कागनो कहने लगता है मुझे रियलाइज हो चुका है कि मैं काफी बड़ी मुसीबत में हूँ। और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। गाइस जरूर से लाइक करके जाना, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।